गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अभी ना बहुत टाइम हो गया था मुझे व्लॉगिंग को फिर से करने में। जो आप लोग अभी टाइम से व्लॉग देख रहे थे वो सारे व्लॉग एक्चुअली काफ़ी टाइम पुराने हैं, वो 3-4 दिन पुराने व्लॉग हैं। जैसे कि अभी जो लास्ट व्लॉग था वो दिवाली का व्लॉग था और दिवाली थी 31 की और आज है 7। सो या व्लॉगिंग में थोड़ा डिले हो गया है बट अब मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखते सब क्या कर रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको सिम्बा दिखाती हूँ। सिम्बा तो सोने में लग रहा है। सुबह मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। सो अब मैंने फ़ोन उठाया और अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मुझे बनाने जाना है नाश्ता। मैंने दूध भी नहीं पिया है ना मैंने कॉफ़ी पी है अपनी। मैं आज शायद जीरे वाली मैगी बनाऊँगी। और मुझे जीरे वाली मैगी बनाना किसने सिखाया है? भानु ने। और यार इतनी बढ़िया मैगी बनाता है ना भानु यार। अभी मैं हम आप लोग को दिखा नहीं पाए हम लोग का नाइट आउट का। लेकिन अब जब भानु वनु आएंगे, अभी आएंगे लाइक 13 को, और क्यों आएंगे मैं वो भी बताऊंगी। तो अभी मैं लाइक रिवील नहीं करना चाह रही क्यों आने वाले 13 को, ठीक है? तो उससे पहले आएंगे तो हम लोग एक नाइट आउट ज़रूर करेंगे। बहुत सारे प्रिपरेशन करने हैं हमें, ठीक है? मैं आप लोग को दिखाती हूँ हम लोगों ने कपड़े वपड़े सब ले लिए उस चीज़ के लिए, ठीक है? मैं अभी फर्दर बताऊँगी। तो अभी मैं जाती हूँ मेरा नाश्ता बनाने। बाय। तो ये टिन्ना भी सोने में लग रहा है। चलो देखें जरा नीचे सब क्या कर रहे हैं। वो चाची है उधर। चाची पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो चाची? मुझे लगा नाश्ता वाश्ता बना रहे हो कुछ। नाश्ता बन गया। क्या बनाया है? नमकीन दलिया था। अरे वाह, मैं तो जीरे वाली मैगी बनाने आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं ये भी खाऊंगी और जीरे वाली मैगी भी खाऊंगी। जीरे वाली मैगी बट मैं ये भी खाऊंगी। ए तू क्या कर रही है? यहाँ कैसे बैठ गई? इधर बैठ के कैसे पढ़ रही है भाई तू? हाँ लेकिन यार ये बढ़िया है। अपन ने तो हम लोगों ने ना पूरा ड्राइंग रूम लाइक सेट कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। अगर आप पुराने ब्लॉग्स देखोगे और अभी देखोगे तो बहुत डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ये वाली टेबल में और हम लोगों ने बीच में ये इसको ढकने के लिए कुछ लगा दिया है। ठीक है यार, ये जगह भी ठीक है पढ़ने के लिए। ओ अब वो तो मॉइस्चराइजर है तो मैंने कहा कि भाई देखती हूँ, यूज करता कर लो। दो पाँच आपको नहीं पता कैसे में क्या हुआ? क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी। खाली होगा भाई। अरे बाप रे। और चाय ने ना वो खोला, उसका सिलेंडर को ऊपर ना चाय की स्किन ही उड़ गई। क्या उड़ गई? स्किन उड़ गई। रेगुलेटर खोला ना मम्मी ने, स्किन जल गई मम्मी ने। हाँ वो झाग निकला। ओ पानी डाला। अरे अब देखते हैं रेगुलेटर खराब हुआ या एक साइड की जहाँ से गैस चालू करते हैं ना वहाँ से आवाज आ रही थी, दूसरी साइड की नहीं आ रही थी। अरे बाप रे, कहाँ से हो रहा है? पूरी रात क्या लगा के देखा तो ना हवा भी निकल रही थी। अरे बाप रे, सही है। बाप रे ये क्या हो गया यार? तो चाची काम करती है उधर हाँ। इसीलिए वो ना पता चल गया मैं कॉल कर ली। बाप रे है? है? दिखाओ जरा देख क्या हूँ। हाँ दादी, हाँ दादी एक्सिस बैंक से। हाँ वो करवा के आऊँ एंट्री तो एक्सिस बैंक से होगी। कहाँ से? सैटरडे है आज, छुट्टी थोड़ी। हाँ छुट्टी रहती है, उन्होंने बोला था मंडे को होगी। और बहुत रिलैक्स अगरबत्ती लाऊंगी। रिलैक्स क्या ये लिया? हाँ मतलब ये सुगंधम से ले आऊंगी। गैस लीक हो गई। अरे बाप रे बाप, देख क्या मम्मी का कितना जला। क्या लैंप का लिंक कौन सा लैंप? ठीक है ओके भेज। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। मैंने देखा नहीं, घंटे भर पहले मैंने देखा नहीं, पढ़ रही थी मैं। अभी मैं कपड़े भेज देती थी फटाफट। ठीक है, वो उनको नहीं बुला रही क्या दीदी को? पूछूं क्या अभी फ्री हो? पूछ अभी फ्री हो के आ जाओ। मम्मी गैस लीक हो गई। आपका हाथ जल गया? कितना जला? नहीं जला। ये अच्छा ये हो गया जैसे ही सिलेंडर खोला। अरे आपके हाथ कितने गोरे गोरे लग रहे हैं मम्मी। हाँ मम्मी का गोरे गोरे हाथ लग रहा है, इतना सही लग रहा है। और बाप रे बताओ लीक हो गया? बाप रे ज्यादा लीक हो जाता फिर? हाँ वो तो एकदम प्रेशर से निकला। मैं फिर मैंने उसको दबाया, प्रेशर से निकला। हाँ जैसे सिलेंडर खोला ना वैसे ही। बाप रे बाप, ट्रेजेडी होते होते बच गई। ये रखी मेरी मैगी। और मेरे पे ना गोलगप्पे भी रखे हुए हैं बट मैं बना नहीं पा रही यार। मैगी बनाते हैं जीरे वाली मैगी।
चाचा अभी इस पर मैं बना रही हूँ, इस पर कुछ मत रखना। खाऊंगी ना मैं भी, खाऊंगी। हाँ निकाल। अभी मैंने काटनी है प्याज और मिर्ची, मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। चलो ये ऑन किया। अरे गरम कैसे हो रही है? अच्छा इसकी वजह से गरम हो रही है। गैस में डाल दी थोड़ा तेल, थोड़ा सा तेल गरम होगा। इसमें मैं डालूंगी राई, जीरे वाली मैगी और आप भी काट रहा तो बनाते हैं, उसी से सीखी है मैंने। फिर भी भाई अच्छे बनाता है, पता नहीं कैसे अच्छी बनाता है यार, उसकी इतनी अच्छी टेस्टी कैसे बनती है। वो ना सब एकदम तमीज से और धीरे धीरे डाल दो। क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा वेट करूँगी प्याज के ब्राउन होने का, फिर मैं डाल दूँगी हल्दी और मिर्ची और फिर थोड़ा पानी और फिर मैगी। अभी हल्दी मिर्ची नमक और पानी डाल दिया है, ठीक है। अब वैसे मैगी भी डाल देती हूँ, मैगी मसाला। पता नहीं राशि से पूछ। अब इसको ऐसे रख लूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अभी मैंने मैगी खा ली, अब मैं जाती हूँ पढ़ने। अभी हम लोग हसमत मेरे को ब्लॉगिंग करने थे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो टेलर है हम उसके पास गए थे, तो उन्होंने बोला इसमें अस्तर चाहिए और मेरे को मेरे गांव के लिए नेट चाहिए, तो हम लोग वो लेने जा रहे हैं। अरे कितनी गंदी लग रही है। अब हम वो गंदे और चल मंडी चौराहे पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे मिलते हैं अस्तर। देख तू पीछे बैठी है, तू कूद जाना, कूद जाना, मेरे को कुछ नहीं पता। दीदी पुलिस दिखे तो इसको कुदा देंगे, धीरे नहीं। मैं तो मैं पीछे जाऊंगी, इसको पीछे फेंक दूंगी। ओए दीदी को कॉन्सेंट्रेट करना, तो तू कुदा लाएंगे भाई मेरे को। मैं चार जनों क्या चार जनों को बैठा के फूटे चलाएंगे मैंने। और तुम टीवीएस की बस जा रहे आगे, वो तो मोटी कौन मोटी भैंस, आपकी फ्रेंड्स व्लॉग नहीं देखती क्या? तो आप मोटी यार देखती तो होगी, कोई बात नहीं, भैंस है तो है, क्या करें। अरे छुपने वाली नहीं है क्या? भूखी छुपने वाली नहीं है, सर्दियों वाली धूप है यार। जल्दी पहुंचा दो मेरे को घर जाके खाना खाना, कोचिंग निकलना है। ये मंची नौटंकी मत करना, तू जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेना। हाँ, ये इसके ज्यादा ड्रामे होते हैं। ओके बस वाले ने पता नहीं कि रोक लिया। आराम से इतना ट्रैफिक कैसे आ गए एकदम से? अच्छा इधर ले चलो, इधर पता नहीं कौन सी दुकान है यार। अबे ये नहीं, ये आगे वाली। हाँ माँ अम्बिका, माँ अम्बिका यहाँ से मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई कलर का ना मिला तो सफेद कलर का भी चलेगा। ओके ये साड़ी सुंदर लग रही है। तो भी हमने इस तरह का कपड़ा ले लिया है, इसको काट के क्लीन करना। तो तीन तीन लिया है क्या? तीन लेना तो 160 180 जाने के 480 क्या यार राशि। दरवाजा ये कोई आ रहा है, क्या हो गया? हाँ 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 कितने हो गए? तो स्कूटी वाले जो भैया अभी आए थे, जो अभी आपने देखा, ये स्कूटी करने सही करने के लिए दे रखी थी मैंने, ठीक है। स्कूटी आ गई और स्कूटी सही हो गई, मैंने चला के भी देख ली, तो मैंने एविएटर भी रख दी और मैंने पेप भी रख दिया, दोनों गाड़ियां मैंने रख दी है। अब मुझे दादी बुला रही है। हाँ दादी, हाँ मैं ऊपर हूँ, हाँ आ रही हूँ। अभी मैं नीचे आ गई हूँ। कुन्नू क्या कर रहा है तू? मैं खेल रहा हूँ। अकेली? हाँ। मैं सोची मैं ये तली हूँ, तेल गरम करने डाल दिया है। और अभी आए हुए हैं शिवम भैया।
शिवम भैया राशन का सामान लेके आए हैं और बोली चाची मैं सोच रही हूँ यार मैं आलू टिक्की भी तल लूँ क्या। भाई तेल में कितनी डरावनी सी स्माइली लग रही है तो तभी इसमें से निकल के डरा देंगे देखो। हाँ यार ये तो भूत जैसा लग रहा है ना। हाँ स्माइली स्माइली इसमें भूत है तो सुंदर तो नहीं भाई सुंदर तो किसी एंगल से नहीं लग रही डरावनी लग रही है लग रही है बुआ के अमरूद में आंखें आ गई थी और स्माइल भी आ गई थी। ओए छड़ी बच्ची वो तो हार्ट वाले थे कितने हार्ट वाले छड़ी बच्ची चाची दिल वाला आलू आया था। हाँ वो तो याद है देखिए जरा जय्यू क्या कर रहा है जयू नहीं है तो जयू किधर है पता नहीं है वो तो पढ़ाई कर रहा है। कहाँ पर जयू कहाँ गया है क्या कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है भाई तू तो पढ़ाई कर रहा था। अच्छा ठीक है दादी कुछ नहीं करी दादी बैठी हुई है बस। ओके गाइस तो अभी राशि आ गई थी कोचिंग से और ये पागल सो भी गई है इसे खाना भी नहीं खाया है तभी हम इसको उठाएंगे और बोलेंगे राशि पहले खाना का फिर सो जा सोने ही नहीं दे रहे थे। यार मेरे को ना यहाँ पे पिंपल हो गया था तो मैंने पिंपल पैच लगा रखा है अब ये जाएगा 6-7 घंटे बाद वेट करते हो और क्या क्या कर बेकार स्वाद आया था आज तो नमक और मिर्ची और हल्दी हाँ नमक मिर्ची और हल्दी दांत सेट और बहुत ही गंदा स्वाद है खाने का मन ही नहीं किया भाई मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हो क्या अरे यार वो मिर्ची आ रही थी नमक आ रहा था हल्दी आ रही थी हाँ बस लाल मिर्ची का स्वाद नहीं आ रहा बेकार बना था बस ऐसा लग रहा था सादे चावल खा रही हूँ मेरे को तो लग रहा है किसी की उल्टी खा रही थी मैं ऐसा लग रहा था मुझे क्या बोलते हैं वो जो आलू डाले थे ना उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था उसकी वजह से मैंने भी एक आलू जब अलग से खाना जैसे वो बिल्कुल मीठा आलू उबाल गया तो आलू गोभी सब निकाल के सिर्फ चावल खाया बैंगन का भरता नहीं खाती गई है दिन में इसलिए बैंगन का भरता खा लेना मैं हाँ। ये कम होता है कितने नखरे राशि दे रहे कितने नखरे हैं भरता भुर्जी भिंडी और बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना था झूठी कहीं की झूठी देखा तो पुलाव बनाते नहीं आप तो मेरे को चपाती बना देते तो पुलाव मिले ना तो जल्दी में अब आप चपाती बनाते 5-10 मिनट आपको चपाती बनाने लगा 5-10 मिनट में तो ठूसी गई हूँ मैं जल्दी खाना तो 12:30 बजे तैयार हो गया था मैं तो वहाँ बैठी हुई थी वो मेहमान आए थे अब 12:30 बजे 12:45 बजे तो अपन घर पे आए तो तू घर पे आई है घूम के लेकिन खाना तो तैयार था बहन बेटी गैस जल रही थी उधर उसकी पुलाव वाले उसकी तो मुझे लगा नहीं बना होगा लेकिन तो मैंने बहुत जल्दी खाना बना दिया था बल्कि आराम से बैठी हुई थी कोई मेहमान आया था बताया नहीं आपने मेरे को ओके बस हो गया चुप हो जाओ ये मम्मी लड़ रही है सो जाओ मम्मी तो लड़ेगी भाई सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर्स को हिट करने के। अभी मेरे 85 सब्सक्राइबर्स हैं, सो आई होप जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। जैसे मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं पक्का एक केक काटूँगी, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोग जो कपड़ा लेके आए थे, हम लोग जो नेट लेके आए थे ना, वो हमने डाल दिया है टेलर के पास, ठीक है। और देखो यार, मैं एक चीज़ बताती हूँ, तो आज हम लोग 2 टेलर्स के पास गए, ठीक है। सो जो देखो, मैंने आपको 2 टेलर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो जो ये वाले टेलर हैं, ठीक है, ऑफकोर्स मैं नाम नहीं ले सकती, मैं आपको बता नहीं सकती ज़्यादा, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक इसके में बताया, तो जो ये वाला टेलर है ना, ये एक आंटी है, और जो जिस टेलर के पास मैं अभी गई वो एक अंकल है, ठीक है। तो बेसिकली जिन आंटी के पास मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका सिलाई का बाकी कपड़ा मेरा है, सब चीज़ें मेरी, जितनी भी चीज़ें उनको, जितना भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सब हमारा है। तो ये सब सिर्फ उनको सिलाई का काम है और उनका काटने का काम है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। लाइक ठीक है यार, 300 तो ठीक है यार, इससे ज़्यादा तो क्या ही लेगा इंसान ना, और बल्कि बहुत कम है। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लाइक अब 1K एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तो। अब मैं गई दूसरे टेलर के पास, ठीक है। अब बिकॉज मैंने इन टेलर का सुन लिया है ना, तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, कितने मांगेगा, 600 700 800 मैक्सिमम 1000। उसने मुझे बोला, मैडम 2000 रुपये लेंगे। भाई कपड़ा मेरा, नेट मेरा, जो भी चीज़ें चाहिए ना उसको सब हम ला के दे रहे हैं, फिर भी साले को पता नहीं क्यों 2000 रुपये। भाई देख के तो बोल। तो अभी हम लोगों ने ना हमारा कपड़ा जो है सिलवाने डाल दिया है, जो वो ड्रेस बन के आएगी, तो देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी ड्रेस बन के आएगी। और नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखो यार, जो नेट मैंने चूज़ किया ना, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क है, लाइक एक्सट्रीम वर्क है। उसमें बहुत सारी मोतियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे लाइक वो कांच जैसे छोटे छोटे नहीं होते, मैं कैसे बताऊँ, अपने पास है भी नहीं, लाइक मैं दिखा दी आप लोग को, ठीक है, वो है। तो उनको ना बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अब उनको एक 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 तोड़ना पड़ेगा, उसको स्टिच करना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा बजट जाने वाला है, बट कोई ना, आई कैन हैंडल इट। सो गाइस, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अभी के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, सो जाएँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। बाय बाय।